हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो आज हम बात करते हैं गाइस यूनिट 3 के हमारा फार्माकोलॉजी, ठीक है। उसके अंदर हम ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इस वीडियो में हम आज इंट्रोडक्शन टू ऑटोकॉइड्स एंड क्लासिफिकेशन और हिस्टामाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे मतलब ऑटोकॉइड्स होते क्या है और इनके क्लासिफिकेशंस है क्या, हिस्टामाइंस क्या होते हैं, हिस्टामाइंस के रिसेप्टर्स देखेंगे हम, हिस्टामाइंस के सब टाइप्स देखा जाएगा, ओके। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, थेरेपेटिक यूजेस देखेंगे और अंटागोनिस्टिक ड्रग्स मतलब हिस्टामाइन को अंटागोनाइज करने वाले ड्रग्स, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गाइस, इंट्रोडक्शन टू ऑटोकॉइड्स एंड क्लासिफिकेशन। ऑटोकॉइड, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक। ऑटोज मतलब सेल्फ है और अकॉज मतलब हीलिंग सब्सटेंस और रेमेडी, ठीक है। अभी ऑटोकॉइड्स, दे आर द डाइवर्स सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय वाइड वैरायटी ऑफ द सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। हैविंग इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी बट जनरली एक्ट लोकली, मीन्स एट इन्फ्लेमेटरी पॉकेट्स एट द साइट ऑफ द सिंथेसाइजर्स एंड रिलीज, दीज आर कॉल्ड एज लोकल हार्मोन्स। गाइस, ये ऑटोकॉइड्स, ये जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम्स के एक सेल्स है, मतलब जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चोट लग गई, अभी चोट लग गई ना, चोट लगने के बाद आपको इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वो इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? बिकॉज जो है ना, आपकी बॉडी रेस्पॉन्स दिखाती है। हाँ, वो रेस्पॉन्स इज नथिंग बट दीज सेल्स, हिस्टामाइन सेल्स। हिस्टामाइन सेल्स का सिक्रेशन होना उन्हीं के कारण, जो आपको वीडियो में दिख रहा है, मतलब ये पिक्चर में दिख रहा है ना, ये देखिए, ये सेल्स जब लिबरेट होंगे, रिलीज होंगे, तभी तो इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी के अंदर, ओके। ये एक रेस्पॉन्स है बॉडी का। फॉर एग्जांपल, जब आपको एक बी काट लेगी, मतलब एक मधुमक्खी अगर आपको काट लेगी, तो वहाँ रेस्पॉन्स दिखाएगा इन्फ्लेमेशन। वो इन्फ्लेमेशन किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ दिस ऑटोकॉइड। समझ रहे हो ना, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑटोकॉइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस मेनली इन द साइट ऑफ इंजरी, मतलब जहां आपको जख्म होता है, इंजरी होती है, ओके, उस समय ये ऑटोकॉइड्स उभर के आते हैं, मतलब आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने दो तीन एग्जांपल्स आपको कह दिया। अ नंबर ऑफ यूजफुल ड्रग्स एक्ट बाय मॉडिफाइंग देयर एक्शन और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इनके एक्शंस को, इनके मेटाबॉलिज्म को हम क्या करेंगे, अल्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ऑफ द अंटागोनिस्टिक ड्रग्स। वो भी आपको मैं बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम ऑटोकॉइड्स के क्लासिफिकेशन को, ओके। फर्स्ट वन इज अमाइन ऑटोकॉइड्स, जिसमें हमारे हिस्टामाइन आते हैं, देन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमाइन, जिसको हम सेरोटोनिन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं, लिकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ए पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स, जिसमें ब्रैडीकाइनिन और एंजियोटेंशन आते हैं। तो विस्तार से, मतलब इन डीप जो है ना, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब सबसे पहले अमाइन ऑटोकॉइड्स लेंगे, उसके अंदर हिस्टामाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हिस्टामाइन। गाइस, हिस्टामाइन इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ अमाइंस, ठीक है। ये अमाइंस के ग्रुप के अंदर जो है ना आता है हिस्टामाइन, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। आपको ये दिख रहा है ना, रैशेस, ये हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है। अगर ये हो गया तो समझिए हिस्टामाइन रिलीज हो गया है, ठीक है। इट रेगुलेट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द गट, मीन्स इट प्लेज अ वाइटल रोल इन न्यूरल ट्रांसमिशन। Release of histamines is the initiating factor of any inflammatory response. ठीक है, किसी भी आपको अगर inflammatory response दिख रहा है, that mainly because of the release of this histamine. Next, biosynthesis of the histamine. Histamine is a hydrophilic compound containing an imidazole ring. ठीक है, and amino group linked by 2-methylene group. Histamine, it is synthesized by decarboxylation of the histidine. इसको आपको दिख रहा ना, ये हिस्टाडाइन अगर डीकार्बोक्सिलेज हो गया तो आपको हिस्टामाइन मिलेगा, ठीक है, हिस्टामाइन आपको मिल जाएगा। कैटालाइज्ड बाय एंजाइम एल हिस्टाडिन डीकार्बोक्सिलेज, जैसे मैं आपको बताया था, हिस्टामाइन अंडरगोज डिग्रेडेशन मोर सिग्निफिकेंटली
by the N-methyl transferase degradation pathways. Mast cells are the primary storage sites for the histamine in almost all the tissues. देखिए सभी टिश्यूज के अंदर मास्ट सेल रहते हैं, मतलब मेनली मास्ट सेल जीआईटी के पास रहते हैं, ठीक है। अभी जब ये एक्टिवेट होते हैं, मतलब जब इन्हें एक्टिवेट होना पड़ता है, इन्हीं मास्ट सेल से जो है ना ये हिस्टामाइन बाहर निकलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा ऑफ द जीआईटी हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हिस्टामाइन और हिस्टामाइन इज इनएक्टिव अर्ली बिकॉज लिवर डिग्रेड्स ऑल हिस्टामाइन्स दैट इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहते हैं। हिस्टामाइन एक्चुअली ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहते हैं। जब हिस्टाडाइन के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, मतलब हिस्टामाइन जो है ना आपको हिस्टाडिन फॉर्म में मिलेंगे। जब ये डीकार्बोक्सिलेशन को पास करेंगे तब ये हिस्टाडाइन हिस्टामाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये दो पाथवेज के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, ओके। वन इज डायमाइन ऑक्सीडेज से इमिडाजोल एसिटिक एसिड फॉर्म करेंगे, देन एन मिथाइल ट्रांसफरेज से एन मिथाइल हिस्टामाइन फॉर्म करेंगे, दैट अपॉन ऑक्सीडाइज मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। ये आपका सिंथेसाइज भी हो गया और मेटाबॉलिज्म भी हो गया, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट रिसेप्टर्स, हिस्टामाइन रिसेप्टर्स के, ये सभी इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका। थ्री रिसेप्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द हिस्टामाइन। दे आर H1, H2 एंड H3 receptors. ये तीन important receptors है। H1 receptors are present in bronchial, intestinal smooth muscle and CNS. आपके H1 receptor जो है ना histamine 1 receptors, ये bronchial मतलब lungs के पास, intestine के पास और central nervous system के पास रहते हैं। They are also present in the vascular smooth muscles. This receptor mediates endothelial cell and smooth muscle response to histamine. समझ रहे हो ना, मतलब ये H1 और H2 H3 receptors अक्सर जो है ना bronchial के अंदर, intestine के अंदर, CNS के अंदर आपको पाए जाते हैं। Activation of the peripheral H1 receptor causes bronchoconstriction. मतलब जब आपका H1 receptor activate हो जाएगा, मतलब peripheral H1 receptor, तब जो है ना वो bronchoconstriction दिखाएगा, vasodilation दिखाएगा, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी दिखाएगा और स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसरी नर्व एंडिंग्स, ठीक है। द इफेक्टर सिस्टम फॉर द H1 रिसेप्टर अपीयर्स टू बी एक्टिवेशन ऑफ द फॉस्फोलाइपेज सी। मतलब ये H1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा तो जो है ना मतलब फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, जो प्रोड्यूस करता है आइनोसिटॉल 145 ट्राइफॉस्फेट और इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम, ठीक है। H2 receptors, ये receptors जो है ना GIT के अंदर common रहते हैं और control gastric acid secretion को ये control करते हैं। मतलब आपको अगर hyper acidity हो रही है तो ये जो है ना H2 receptor के ही कारण हो रही है। They are also present in the vascular smooth muscles. Activation of the H2 receptors stimulate adenyl cyclase and increase the intracellular concentration of the CAMP. This receptors increases gastric acid secretion by the parietal cell. पैराइटल सेल गैस्ट्रिक म्यूकोसा के पास रहते हैं और ये पैराइटल सेल जो है ना इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को। H2 रिसेप्टर ऑन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स सेल्स मेक अ माइनर कंट्रीब्यूशन टू द वैसोडाइलेशन कॉज्ड बाय द हिस्टामाइन रिलीज। H3 रिसेप्टर्स, ये जो है ना ये ऑटो रिसेप्टर्स है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीडबैक रेगुलेशन ऑफ द हिस्टामाइन सिंथेसाइज, ओके, एंड रिलीज इन मेनी ऑर्गन सिस्टम। मतलब ये एक फीडबैक मैकेनिज्म शो करते हैं और इनका मेन इंपॉर्टेंट जो है ना ये कंट्रोल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं, ओके। और ये ह्यूमन ऑटोनॉमिक नर्वस नर्व टर्मिनल और जो है ना कंट्रोल नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली इनका दबाव रहता है, दैट इज H3 रिसेप्टर्स। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामाइन्स, गाइस अब हिस्टामाइन का एक्शन क्या है, मतलब फार्माकोलॉजिकली ये किस पर बिहेव करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले ऑन ब्लड वेसल्स, देखिए ऑन ब्लड वेसल्स द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन आर मीडिएटेड बाय बोथ H1 एंड H2 रिसेप्टर्स। H1 मतलब जो एलर्जी हम कहते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं, H2 रिसेप्टर्स जो HCL को सिक्रेट करते हैं, इन दोनों पर, ठीक है, ये दोनों जो है ना ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। डायलेशन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग आल्ट्रियोल्स कैपिलरीज एंड विन्यूल्स अकर, ओके। ऑन सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन फ्लशिंग हीट इंक्रीज्ड हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट विथ लिटल और नो फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड। मतलब हिस्टामाइन अगर रिलीज होगा तो ये सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा, ये एक्शन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन।
After rapid intravenous administration, a fall of blood pressure is noticed when it is mediated by the both H1 and H2 receptors. Okay, H1 receptors ये responsible है for early short acting effect, and H2 receptors are responsible for slow but more persistent effect on blood pressure. Blood pressure के ऊपर H2 receptors का ज़्यादा काम रहता है when compared to the H1 receptors. However, with small doses only the H1 receptors are stimulated. The effect of the histamine on blood pressure can only be completely reversed by giving both H1 and H2 blockers. H1 और H2 दोनों blockers देंगे तभी जो है ना blood pressure मतलब the effect of histamine on blood pressure तभी reverse हो पाएगा, तब तक नहीं reverse होगा. Then dilation of the cranial blood vessels called pulsatile headache and vasodilation caused by the histamine is partly due to EDR, large arteries and veins are constructed. ये सब जो है ना मतलब हिस्टामाइन के सब काम है ब्लड वेसल्स के ऊपर. इतना याद रखिए, अगर हिस्टामाइन रिलीज होगा तो ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जहां पर बीपी आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. हार्ट के ऊपर क्या इनका फिजियोलॉजिकल रोल है? डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामाइन ऑन द हार्ट आर नॉट प्रोमिनेंट बट द आइसोलेटेड हार्ट इज स्टिमुलेटेड. डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता हिस्टामाइन हार्ट के ऊपर, बट सेपरेट किया गया हार्ट, ओके, जब स्टडी के लिए बाहर निकाला जाता है ना उसके ऊपर ये स्टिमुलेट करता है. On visceral smooth muscle, it causes bronchoconstriction. Then asthmatic individuals are highly sensitive to histamine. जिसे अस्थमा रहता है वो जो है ना highly sensitive रहते हैं histamine. आप देखिए जब patient मतलब वो खांसता है तो histamine release हो जाता है body के अंदर. Then gastrointestinal mortality is increased. उसे acidity problem हो जाती है, पेट में जलन होना start हो जाता है. In large doses, it causes abdominal cramps and colic by increasing intestinal contractions. And glands के ऊपर इनका क्या रोल है? It causes marked increase in gastric secretion, primarily of acid and also of pepsin. ये जो है ना histamine अगर रिलीज होगा तो एसिड को रिलीज करेगा, HCL को रिलीज करेगा. Then on central nervous system, histamine does not cross the blood brain barrier. इसको blood brain barrier cross करने की ताकत नहीं है histamine को, तो hence ये effect नहीं दिखाते central nervous system के ऊपर. But it appears to be neurotransmitter where it may regulate weakfulness or appetite. मतलब भूख या वीक को भी जो है ना ये regulate कर पाएंगे अगर ये neurotransmitter पर act करेंगे तो, ठीक है. जैसे कि हमारा H3 receptors है जो कि neurotransmitter के ऊपर act करता है. Next, pathophysiological roles of histamine. Histamine का role क्या है gastric secretion के अंदर? देखिए histamine ये dominant physiological role प्ले करता है इन द सिक्रेशन ऑफ द HCL, ठीक है, थ्रू द H2 रिसेप्टर. और H2 ब्लॉकर ये ब्लॉक करते हैं एसिड सिक्रेशन को और डिमिनिश करते हैं मतलब स्टॉप करते हैं सिक्रेशन रिस्पॉन्स एसिटाइलकोलाइन गैस्ट्रिन. H2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये एसिड को सिक्रेट करते हैं. उसी तरह इसका कटाव क्या है? ब्लॉकर्स. अगर ब्लॉकर्स देंगे मतलब सिमेटिलिन हो, रैनिटिलिन हो, ये सभी जो है ना H2 ब्लॉकर्स है, ये देंगे तो क्या होगा? गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा मतलब इनहिबिट हो जाएगा. देन एलर्जिक फिनोमिना. Histamine is one of the mediators of allergy and plays a role in causing urticaria. Urticaria एक emergency condition है जहाँ पर आपकी body इतनी response हो जाएगी allergy को, मतलब इस तरीके से आपको body के ऊपर जो है ना छाले पड़ जाएंगे, आपको दिख रहा है ना इस तरीके से. और angioedema, bronchoconstriction, anaphylactic shock, ये सभी जो है ना ये allergic phenomenon है जो histamine से ही मतलब भुगतना पड़ता है आपको. अगर histamine ज़्यादा मात्रा में release होगा तो एंजियोएडिमा हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, जो कि एक वेरी 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 इमरजेंसी कंडीशन है. एंड ट्रांसमीटर, हिस्टामाइन इज बिलीव्ड टू बी ट्रांसमीटर आल्सो इन कंट्रोल नर्वस सिस्टम व्हिच इनिशिएट द सेंसेशन ऑफ द इच एंड पेन एट द सेंसरी नर्व्स. मतलब आपको देखिए इच हो मतलब इचिंग हो, स्क्रैचेस हो, पेन हो, ये सभी किस लिए? बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द हिस्टामाइन. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल जब आप ऐसे बैठे रहे तो आपका मतलब आंग बदन खुजाने लगता है, किस लिए? ऐसे नहीं खुजाता, कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल, कुछ ना कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन रहता है, इसी कारण जो है ना आपका बदन खुजाता है, मतलब स्क्रैच आपको महसूस होता है, कुछ मतलब खजाना मतलब उस तरीके से आपको जो है ना महसूस लगता है, समझ रहे हो ना. देन इन्फ्लेमेशन, ये भी एक पैथोफिजियोलॉजिकल रोल है इन्फ्लेमेशन का, जैसे कि आप सॉरी पैथोफिजियोलॉजिकल रोल है हिस्टामाइन का. हिस्टामाइन हैज बीन इम्प्लिकेटेड एज अ मीडिएटर ऑफ वैसोडाइलेशन एंड अदर चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन पर आकर दिख रहा होगा आपको, मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिया है. इन्फ्लेमेशन किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ दिस हिस्टामाइन. टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर,
हिस्टामाइन सजेस्टेड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टिश्यू ग्रो और रिपेयर करने के अंदर टिश्यू ग्रोथ के लिए हिस्टामाइन का इंपॉर्टेंस ही बहुत है. देन हेडेक, हिस्टामाइन हैज बीन इम्प्लीकेटेड इन सर्टन वैस्कुलर हेडेक्स. ठीक है, हेडेक्स के अंदर भी जो है ना हिस्टामाइन का ही एक अहम रोल है. अगर आपको हेडेक बंद कराना है तो आप क्या देते हो, ज्यादा नहीं से बात है, कुछ एंटी हेडेक टैबलेट्स लाइक आप पैरास्टामोल भी दे सकते हो या NSAID भी आप दे सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट हिस्टामाइन एंटागोनिस्टिक्स, जिसे हम एंटी हिस्टामाइन भी कहते हैं. ये एंटी हिस्टामाइन, एंटी मतलब अपोजिट एक्शन, हिस्टामाइन के एक्शन को रोका जाएगा. ठीक है, अगर हिस्टामाइन उतना मात्रा में सिक्रेट होगा, मतलब अगर मीडियम मात्रा में वो सिक्रेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर हिस्टामाइन का सिक्रेशन ज्यादा हो गया तो इट लीड्स टू द सीवियर कंडीशंस, यूर्टिकारिया हो जाता है, एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, सीवियर इन्फ्लेमेशन हो सकता है. अभी उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वी आर गिविंग दिस एंटागोनिस्ट, ओके, लाइक एंटी हिस्टामाइन. हिस्टामाइन एंटागोनिस्टिक्स आर द ड्रग्स दैट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ द हिस्टामाइन. थ्री टाइप्स ऑफ हिस्टामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तीन टाइप के, मतलब आपको पता है H1 रिसेप्टर पर अलग एंटागोनिस्ट एक्ट करते हैं, H2 रिसेप्टर्स पर एक और एंटागोनिस्ट एक्ट करता है, H3 पर फिर एक एंटागोनिस्ट एक्ट करता है. पर्टिकुलर एक ड्रग्स मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट वन इज H1 एंटागोनिस्ट. दीज आर क्लासिकल एंटीहिस्टामाइन व्हिच ब्लॉक्स द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द हिस्टामाइन. फिजियोलॉजिकल एक्शन, हिस्टामाइन की फिजियोलॉजिकल एक्शन, जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स हो, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो, इन सभी को यही H1 एंटागोनिस्ट मतलब मैनेज कर देंगे. ओके, और मेनली जो है ना ये एंटागोनिस्टिक कब दिया जाएगा, एलर्जिक कंडीशंस के अंदर. देन H2 एंटागोनिस्टिक, सिमेटिडिन, रैनिटिडिन एंड फेमोटिडिन आर एग्जांपल्स ऑफ द H2 एंटागोनिस्ट व्हिच रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर्स. देन H3 एंटागोनिस्टिक, थियोपरामाइड, ये जो है ना ये थियोपरामाइड एग्जांपल है H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक का. ये एक टाइप ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ हिस्टामाइन, कहां, एट H3 रिसेप्टर्स पर. अब वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले H1 एंटागोनिस्ट मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको हिस्टामाइन, ये हिस्टामाइन, ओके, ये हिस्टामाइन अगर H1 रिसेप्टर्स पर जाके बाइंड करेगा उसको हम H1 रिसेप्टर कहेंगे. हाँ, उसको अगर हम बाहर से कोई कुछ ना कुछ ड्रग देते हैं, वो ड्रग क्या करेगा, वो ड्रग जाके जो है ना H1 रिसेप्टर्स पर बैठ जाएगा, टेक प्लेस कर जाएगा. जब ये H1 रिसेप्टर, ये H1R जो आपको दिख रहा है ना, अगर ये ड्रग जाकर अगर H1R पर अगर प्लेस कर गया तो ये हिस्टामाइन का एक्शन उधर नहीं रहेगा, खत्म. अगर ये ऑलरेडी इसके ऊपर बैठ जाएगा तो इसका एक्शन नहीं रहेगा, सिंपल. H1 एंटागोनिस्ट आर द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीहिस्टामाइन्स. दे कॉज अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ द H1 रिसेप्टर्स. एड्रेनालिन, जो एक फिजियोलॉजिकली एंटागोनिस्टिक ऑफ द हिस्टामाइन है, ये करते क्या है गाइस, ये रिवर्स करते हैं एक्शन ऑफ द हिस्टामाइन को. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मतलब वो एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, इस हिस्टामाइन के एक्शन को रिवर्स कर देते हैं. ठीक है, देन मेनली दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जिक डिसऑर्डर्स. क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट, ये क्या करते हैं गाइस, ये फर्स्ट जनरेशन जो है ना ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं और ड्रोजिनेस को फॉर्म करते हैं. ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, हमारे बॉडी के अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है जो कि लिपिड कंटेंट करता है, लायोफिलिक रहता है. ठीक है, उसको अगर क्रॉस कर देंगे तो एफिकेसी ज्यादा रहेगा. ठीक है, और इसका एफिकेसी तो ज्यादा रहेगा लेकिन एक साइड इफेक्ट है जो कि ड्रोजिनेस, मतलब पेशेंट जो है ना ड्रोजिनेस में चले जाएगा, उसे नींद आने लगेगी. अब देखते हैं हम H1 एंटागोनिस्ट किस तरीके से रहते हैं, उनके हम मतलब फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट देखेंगे. इथेनोलामाइड, इनके अंदर एग्जांपल्स है डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड और डाइफेनहाइड्रिनेट हाइड्रोक्लोराइड. नेक्स्ट इज अल्काइलामाइन, क्लोरफिनरमाइन मेलेट और ब्रोमोफिनरमाइन मेलेट, जिसे आपको टैबलेट्स में दिखता होगा, सिनारेस्ट टैबलेट के अंदर क्लोरफिनरमाइन मेलेट CPM जिसे हम कहते हैं, यही है वो. देन पिपराजाइन्स, साइक्लाजाइन हाइड्रोक्लोराइड और मिक्लाजाइन. पिपराडाइन्स, साइप्रोहेप्टेडाइन हाइड्रोक्लोराइड. देन फिनोथायाजीन्स, प्रोमिथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड. ये पांच इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है हमारे फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट के. नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट, और ये जो है ना इनकी खासियत क्या है, ये डू नॉट क्रॉस द BBB, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं करते. अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर ये क्रॉस नहीं करेंगे तो आसान सी बात है, ये जो है ना ड्रोजिनेस नहीं फॉर्म करेंगे, स्लीप कंडीशन नहीं होगी आपको. ठीक है,
एग्जाम्पल्स सिट्रिजिन हो गया, फेक्सोफेनेडाइन, इबास्टिन, बिलास्टाइन और डिसलोराटिडिन और डिसलोलार्टिडिन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामाइन्स के। मैकेनिज्म की बात करें, द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन ऑन H1 रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड बाय द एंटी हिस्टामाइन कैटेगराइज्ड टू वन एंड सेकेंड जनरेशन। मतलब हिस्टामाइन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा एंटी हिस्टामाइन से रेस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के द्वारा एंटी हिस्टामाइन, ठीक है। देन द बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज सीन ऑन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स। मतलब ये हमारे H1 जो एंटागोनिस्ट है ना, ये पेरिफेरल पर भी अटैक करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी अटैक कर देंगे, इसीलिए नींद आती है ना। वेल सेकेंड जनरेशन ये ओनली पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स पर एक्ट करेंगे, इसलिए दे हैव नो इफेक्ट ऑन द ब्लड ब्रेन बैरियर, इसलिए ड्रॉजीनेस नहीं आते सेकेंड जनरेशन। अक्सर देखिए डॉक्टर्स जब ड्राइविंग करते हो, मतलब जब पेशेंट उनका ड्राइविंग करता हो या उसे ज़्यादा काम करना रहता है, तभी जो है ना डॉक्टर्स सेकेंड जनरेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि फेक्सोफेनेडाइन हो, सिट्रिजिन हो, ओके, मतलब सेकेंड जनरेशन, जो लॉर्टिडिन हो, डिसलॉर्टिडिन हो, जो स्लीप ड्रॉजीनेस नहीं फॉर्म करता। सेडेटिव इफेक्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन इज लेसर देन द फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, देखिए हिस्टामाइन एंटागोनिज्म, हिस्टामाइन का एंटागोनिज्म, द हिस्टामाइन एक्शंस आर ब्लॉक्ड बाय द H1 एंटीहिस्टामाइन्स। एनाफाइलेक्सिक शॉक इज ओनली पार्शियली प्रिवेंटेड बाय द एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन से हम एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है ना बहुत कम मात्रा में इसको ब्लॉक कर सकेंगे, ओके, दूसरे सुपीरियर ड्रग्स देना पड़ेगा हमें, इंट्रावेनस रूट से इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा। मेन जो है ना एड्रेनालिन को प्रिफर किया जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर। H1 ब्लॉकर्स ऑल्सो शो नो इफेक्ट ऑन द HCL सिक्रेशन। हाँ, ये H1 ब्लॉकर जो है ना, ये HCL सिक्रेशन पर किसी भी तरीके से काम नहीं करेगा। अगर HCL सिक्रेशन को अगर आपको कम करना है तो आपको जो है ना H2 ब्लॉकर देना पड़ेगा। एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, देन इफेक्ट ऑन कंट्रोल नर्वस सिस्टम के अंदर, एंटी कोलिनर्जिक एक्शंस के अंदर इनका इस्तेमाल होता है, मेनली प्रोमेथाजाइन, डायफेनहाइड्रामाइन, देन फेनरामाइन, ये जो है ना पोटेंट एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी टसिव और एंटी एमिटिक ड्रग्स एक्शन। मतलब ये एंटी हिस्टामाइन एंटी टसिव एक्शन भी दिखाते हैं, मतलब खांसी हो रही है तभी इसको सप्रेस करते हैं, और अगर आपको वॉमिट हो रहा है तो भी जो है ना वॉमिटिंग सेंसेशन में दे सकते हैं। एग्जाम्पल प्रोमेथाजाइन जो प्रिवेंट करता है मॉर्निंग सिकनेस को, मतलब जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सर घूमने लगता है, उसमें भी इसको दिया जाता है। और जब ट्रैवलिंग सिकनेस जिसे कहते हैं, मतलब जब बस में बैठते तो उसे उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगती है, ओके, सिर घूमने लगता है, तभी भी इसको दिया जाता है। थेरेपेटिक यूजेस गाइस, एलर्जिक डिसऑर्डर्स के अंदर देते हैं, सेडेटिव के अंदर, इट एक्ट एज अ सेडेशन, देन हिप्नोटिक के अंदर देते हैं, मतलब हिप्नोटाइज करने के लिए दिया जाता है। वर्टिगो अगर हो रहा है, मतलब चक्कर आ रही है, तभी इसको दिया जाता है। मोशन सिकनेस हो रहा है तभी भी इनको दिया जाता है, मतलब H1 एंटागोनिस्टिक ड्रग को। देन यूज इन कफ सिरप्स टू ट्रीट द कफ। एडवर्स इफेक्ट्स, फैटिग हो गया, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फॉल अस्लीप, ड्राइनेस ऑफ माउथ, फ्लशिंग, साइक्लाजाइन इन प्रेगनेंसी कॉज है, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, मतलब कैंसर फॉर्म करता है साइक्लाजाइन इन प्रेगनेंसी। तो गाइज नेक्स्ट हमारी ये है H2 एंटागोनिस्ट। H1 तो देख लिया हमने, अब H2 एंटागोनिस्ट। सिमिटलिन वॉज द फर्स्ट एजेंट टू बी क्लिनिकली यूज एज द H2 ब्लॉकर्स। सिमिटलिन ये फर्स्ट ड्रग है। H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द पैराइटल सेल्स विच आर ब्लॉक्ड बाय द सिमिटलिन। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये पैराइटल सेल है, मतलब H2 रिसेप्टर्स मेनली पैराइटल सेल, मतलब गैस्ट्रिक मिकोसा के पास रहते हैं, जिनका एक्शन ब्लॉक किया जाता है इन एंटागोनिस्ट से। दीज डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ H+ आयंस। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को मीडिएट किया जाता है इस H2 एंटागोनिस्टिक से। इट एंटागोनाइज द पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। दे आर प्रिफर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के अंदर इन्हें प्रिफर है, मतलब ये हमारा सिमिटलिन। सिर्फ सिमिटलिन नहीं, आप रैनिटिडिन भी दे सकते हो, फेमिटलिन भी दे सकते हो, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी के अंदर दिया जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर, देन रिफ्लेक्स, इसोफेगेटिस, स्ट्रेस अल्सर्स के अंदर, ओके, इसोफेगेटिस मतलब आपका इसोफेगल इन्फ्लेम होना बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, देन जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, मतलब इतना HCL सिक्रेट होना, मतलब आपका पूरा स्टमक का मैनेजमेंट ही खराब हो जाता है, इसको हम जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। H2 एंटागोनिस्ट ड्रग्स, मतलब सिमिटलिन, रैनिटिडिन, फेमोटिडिन, इनके अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो गाइनोकोमास्टिया, ओके, देन इम्पोटेंसी इन मेल्स, मतलब
मर्दानी ताकत मेल के अंदर ख़त्म हो जाएगी, देन कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, वॉमिटिंग, ओके, ये सभी नॉर्मल से हमारे जो है ना एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इन पर गाइनोकोमास्टिया और इम्पोर्टेंसी इन मेल्स, ये जो है ना सीवियर है, मतलब मेजर है। गाइनोकोमास्टिया मतलब मेल्स के अंदर फीमेल्स के कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है, बस इतना याद रखना आपको। तो H3 एंटागोनिस्टिक, तो ये हमारा लास्ट है इस वीडियो का, H3 एंटागोनिस्टिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5HT, मतलब 5-hydroxytryptamine, जो हम सेरोटोनिन के नाम से भी जानते हैं। H3 एंटागोनिस्टिक थियोपरमाइड एंड क्लोबेनप्रोपिट, ये जो है ना आइडेंटिफाइड एज H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक। ये ड्रग H3 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करते हैं। H3 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट प्री साइनेप्टिकली इन द सेरेब्रल हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स। सेरेब्रल मतलब ये पूरा जो है ना न्यूरल के ऊपर डिपेंड है H3 रिसेप्टर हमारा। H3 एंटागोनिस्ट आर यूज्ड पोटेंशियली इन न्यूरो साइकेट्री बिकॉज दे हेल्प इन इम्प्रूविंग अटेंशन एंड लर्निंग वीकफुलनेस। ये जो है ना मेनली साइकेट्रिक पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एंटागोनिस्टिक, एंड ये इस्तेमाल होते हैं कन्वल्शंस के अंदर भी। अगर आपके न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, ओके, एक्साइटेशन के दौरान क्या होगा, कन्वल्शंस हो जाएंगे, उन कन्वल्शंस को ट्रीट करने के लिए हम जो है ना एंटागोनिस्ट को देते हैं, वो है हमारा पर्टिकुलरली H3 एंटागोनिस्टिक, ओके, विदाउट प्रोड्यूसिंग सेडेटिव इफेक्ट। ये विदाउट सेडेशन भी नहीं दिखाते, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। देखिए, ये एक्सेसिव अगर हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, सेल का एक्साइटमेंट हो जाएगा, न्यूरॉन सेल्स का एक्साइटमेंट हो जाएगा। अगर एक्साइटमेंट होगा तो कन्वल्शंस हो जाएंगे, दौरे पड़ सकते हैं, तभी इसको इस एक्साइटेशन को ब्रेक करने के लिए H3 एंटागोनिस्टिक का दिया जाता है। तो गाइज, यस, हमने इतना सभी डिस्कस कर लिया इस वीडियो के अंदर, मतलब मेनली जो है ना हम इंट्रोडक्शन सीखे हैं ऑटोकॉइड्स को क्या कहते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, और हिस्टामाइन के बारे में सीखे हैं, बायोसिंथेसाइज के बारे में, और जो है ना रिसेप्टर्स, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, देन पैथोलॉजिकल रोल हिस्टामाइन का, देन हिस्टामाइन एंटागोनिस्टिक जो हम एंटी हिस्टामाइन कहते हैं, उनका H1 एंटी हिस्टामाइन क्या है, उनके एग्जांपल्स, क्लासिफिकेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बाद में फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, एडवर्स इफेक्ट, H2 एंटागोनिस्टिक ड्रग जिसपे हमने H2 एंटागोनिस्टिक होते क्या है उनको पढ़ा है, उनका रोल्स पढ़ा है, देन हमने देखा है थेरेप्यूटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स, एट लास्ट हम देखें H3 एंटागोनिस्टिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा कुछ हिस्टामाइन के बारे में, ये हो गया हमारा सारा कुछ H1 H2 H3 के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5-hydroxytryptamine, जो सेरोटोनिन है, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो आप नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स को डाउनलोड कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।